नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को व्हाट्सएप के क्लिक टू चैट फीचर के बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर, फिर चाहे वो आप लोगों का बिजनेस व्हाट्सएप हो या फिर आप लोगों का नॉर्मल व्हाट्सएप हो, आप लोग उसके लिए कैसे एक लिंक बना सकते हैं और फिर उस लिंक पे जो भी क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आप लोगों से व्हाट्सएप में चैट कर सकता है, उसको आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर को अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आप सभी लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर से क्लिक कर इस वीडियो को देख लीजिए और अपने व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक बना लीजिए। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी वेबसाइट है, फिर चाहे वो HTML में बनी हुई हो, ब्लॉगर में बनी हुई हो, विक्स में बनी हुई हो, PHP में बनी हुई हो, ASP में बनी हुई हो या फिर किसी भी वेब प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो, आप लोग उस पर व्हाट्सएप का क्लिक टू चैट बटन लगा सकते हैं। और वो कैसे लगाना है ये आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए व्हाट्सएप का क्लिक टू चैट बटन अगर आप लोग अपने ब्लॉगर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग आ जाइए अपने ब्लॉगर में। मैं सबसे पहले आप लोगों को ब्लॉगर में बता देता हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों को वर्डप्रेस में बताऊंगा और फिर अगर आप लोग इसको HTML में लगाना चाहते हैं तो HTML में लगा सकते हैं। सब में प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। तो यहाँ पर से हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लॉगर में और ब्लॉगर में मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, एक नया पोस्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक करा तो हम लोग इसको टेस्ट पोस्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर से इसका जो टाइटल है TEST मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से एक बटन बनाना है। इस बटन को आप लोग कहीं पर भी बना सकते हैं, अपने हेडर में चाहें तो हेडर में बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से आपको दिखाऊं, अगर आप लोग यहाँ पर से हेडर में बनाना चाहें तो हेडर में बना सकते हैं, अगर आप लोग नीचे को स्क्रॉल करेंगे फुटर में बनाना चाहें तो फुटर में बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को अपने ब्लॉगर के थीम को एक्सेस करना होगा और वहां पर जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वही प्रोसेस आप लोगों ने वहां पर करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर से क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाने के लिए हम लोगों को एक इमेज चाहिए होगी। जैसे यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये इमेज दिख रही है। फेसबुक की ये इमेज है, ट्विटर की ये इमेज है, यूट्यूब की ये इमेज है और हम लोग क्या करेंगे एक इमेज लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर से एक इमेज है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये मेरे पास एक इमेज है। मैं क्या करता हूँ इस इमेज को यहाँ पर से लेके आता हूँ। तो यहाँ पर से हम ब्लॉग में आ गए और एक इमेज को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इमेज में गया और उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से चूज फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास व्हाट्सएप की इमेज है। मैं इस इमेज को पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर से ओपन कर देता हूँ। तो ये इमेज जो है ये अपलोड हो रही है। मैं यहाँ पर से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इमेज अपलोड हो चुकी है और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस इमेज को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर ही हम लोगों से पूछ रहे हैं इसके लेआउट के बारे में कि हम लोग इसका लेआउट कैसा रखना चाहते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ स्मॉल रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर से इसको स्मॉल कर दिया और इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट में भेज देते हैं। तो चलिए अभी लेफ्ट में तो क्या करना है, मैं यहाँ पर से ओके कर देता हूँ और इसका हम जो है कंपोज वाला व्यू खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इमेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर आप लोग यहाँ पर से इसको अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये एक बटन होने वाला है। आप लोग चाहें तो हॉरिजॉन्टल बटन लगा सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर से एक सर्किल वाला बटन है। अब मैं यहाँ पर से इसको क्या करता हूँ लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये इमेज बन चुकी है। अगर हम लोग इसका HTML कोड देखेंगे, मैं HTML व्यू पे जाता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर से देखिए हम लोगों ने क्या करा है, एक ड्यू टैग जो अपने आप लग गया है और उसके बाद यहाँ पर से हम लोगों ने ये इमेज लगाई है। ये यहाँ पर से आप लोगों को IMG टैग दिख रहा होगा, ये जो टैग है ये कहाँ पर बंद हुआ है, यहाँ पर बंद हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इस इमेज को एक लिंक बनाएंगे। इमेज को लिंक बनाने के लिए अगर आप लोग चाहें तो इसको एक एंकर टैग्स में लगा लीजिए और यहाँ पर आप लोगों ने उसका जो भी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। AHREF में, मतलब HREF में आप लोगों ने यहाँ पर से उसका लिंक देना होगा। मैं आप लोगों को इसको एक सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लिंक का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर से जो लिंक आप लोगों का व्हाट्सएप का बनाया हुआ था, आप लोगों ने पिछले वीडियो को देख के बना लिया होगा, मैं उस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक भारत गैस का लिंक है, मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करा और हम लोग चलते हैं ब्लॉगर में और मैं इस लिंक को यहाँ पर से पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इससे जो भी इस इमेज पे क्लिक करेगा, मतलब इमेज जब क्लिक करेगा तो ये बटन हो जाएगा, अभी ये इमेज है। तो मैंने यहाँ पर से इससे क्या बोल दिया कि जो भी इस पर क्लिक करेगा वो उसको यहाँ भेज देना है और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको नए टैब पे खुलवा लेता हूँ और रिलेशन इसका नो फॉलो कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लिंक है ये तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर से इसको पब्लिश कर देता हूँ। मैंने इसको पब्लिश कर दिया, कन्फर्म कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर से चलते हैं हाउ टू हिंदी डॉट इन पे और मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ।
यही जो काम है ये सेम काम आप लोग यहाँ पर से अपने हेडर पे कर सकते हैं, फुटर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे उसमें एक पोस्ट के रूप में ये आ चुका है। मैं चलता हूँ मोबाइल फोन पे और मोबाइल फोन पे इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर से मैं जाता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पर से मैं हाउ टू हिंदी डॉट इन को यहाँ पर से खोल लेता हूँ। ये यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा हाउ टू हिंदी डॉट इन, मोबाइल वर्जन है इसलिए यहाँ एम इक्वस टू वन है। तो मैं यहाँ पर से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो पोस्ट जो है जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो यहाँ पर दिख जाए। तो यहाँ पर से देखिए टेस्ट पोस्ट जो है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पोस्ट को मतलब खोल लेता हूँ। ये एक ऐड आ गया, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर से पोस्ट जो है वो खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये जो बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर से क्लिक करूंगा तो भारत गैस की जो चैट है वो व्हाट्सएप में अपने आप खुल जाएगी। तो यहाँ पर से देखिए व्हाट्सएप खुला और यहाँ पर से भारत गैस की जो चैट है वो अपने आप खुल चुकी है। तो मतलब हमारा जो बटन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर से जो भी हमारे विजिटर होंगे वो डायरेक्ट हम लोगों से, अगर हम लोगों ने यहाँ पर अपना नंबर डाला होता तो वो हमसे यहाँ पर चैट कर लेते, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पर समझाने के लिए यहाँ पर से भारत गैस का व्हाट्सएप नंबर डाला है। तो यहाँ पर से भारत गैस की जो चैट है वो खुल चुकी है। अब यहाँ पर से देखिए ये तो था ब्लॉगर का, मैं फिलहाल यहाँ पर से क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पर नहीं लगाना चाहता हूँ। डिलीट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको खोल लेते हैं और इसी का जो HTML कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर से HTML में जाता हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो ये है और ए एंकर टैग ये है। तो मैं यहाँ पर से पूरा एंकर टैग जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, मतलब ए टैग जो है इसको मैंने कर लिया कॉपी। जहाँ पर ए टैग में हम लोगों ने बता रखा है कि इसको कहाँ जाना है, ये हम लोगों ने इसका जो लिंक है वो यहाँ पर डाल रखा है और ये जो इमेज है ये व्हाट्सएप वाली है जिसका सोर्स ये है। तो अब हमें यहाँ पर से जो वर्डप्रेस है उसमें इमेज भी अपलोड करने की जरूरत नहीं मिलेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने इमेज जो है वो पहले से यहाँ पर से उठा रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस में। ये यहाँ पर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है उत्तराखंड दर्शन डॉट इन। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से टेस्ट डाल देते हैं इसमें भी, TEST। मैंने यहाँ पर से टेस्ट डाल दिया है। अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं और वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सेम प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ इसका जो HTML हम लोगों ने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर से पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से देखिए ए टैग और उसके अंदर इमेज है। तो अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसका जो URL है वो है उत्तराखंड दर्शन डॉट इन और उसके बाद टेस्ट है। तो मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर से ये भी पब्लिश हो चुका है। आप लोग चाहें तो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के भी हेडर या फिर फुटर में इसको लगा सकते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग जाते हैं अपने मोबाइल फोन पर और इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्डप्रेस पे कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर से फिर से गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाता हूँ। एक बार हम लोग क्या करते हैं इस व्हाट्सएप को मैं क्लोज ही कर देता हूँ पहले। व्हाट्सएप क्लोज हो गया, गूगल क्रोम ब्राउजर पर हम लोग आ चुके हैं। मैं यहाँ पर से उत्तराखंड दर्शन डॉट इन और उसके बाद टेस्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए उत्तराखंड दर्शन डॉट इन, इसको करते हैं कॉपी। मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ पेस्ट और उसके बाद यहाँ पर से टेस्ट जो है वो अपने आप लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं यहाँ पर से इसको क्या कर देता हूँ वो कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने गो करा तो हम लोगों को यहाँ पर से ये पोस्ट जो है वो मिल गया है और यहाँ पर हम लोगों को व्हाट्सएप का जो बटन है वो मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से देखिए व्हाट्सएप की चैट वही भारत गैस की दोबारा से खुल गई है। तो ऐसे करके आप लोग अपने वेबसाइट में, फिर चाहे वो HTML में हो बनी हुई हो, ब्लॉगर में बनी हुई हो, वर्डप्रेस में बनी हुई हो, PHP में, ASP में, किसी में भी बनी हुई हो, आप लोग एक सिंपल सा HTML कोड अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। अगर आप लोग हेडर में डालना चाहें तो हेडर में डाल दीजिए, फुटर में डालना चाहें तो फुटर में डाल दीजिए। जहां पर भी आप लोग डालना चाहते हैं उसको आसानी से डाल सकते हैं और फिर जो भी आप लोगों के विजिटर होंगे वो डायरेक्ट इस बटन पर क्लिक कर आप लोगों से व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके आप लोगों ने इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के व्हाट्सएप ब्लॉगर से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो के लिए आप लोगों ने हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में बनी घंटी को तो जरूर से दबा लीजिए ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।